मनपा के स्टेशनरी घोटाले में अब तक 4 लोगों के सामने आए हैं और उनमें कुल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। मनपा में उजागर हुए स्टेशनरी घोटाले में भले ही अधिकारियों को बचाने की कवायद चल रही हो, किंतु एक अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस द्वारा 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और उनमें कुल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने दी। मनपाचे आरोग्य अधिकारी श्री डॉक्टर श्री संजय दादाराव चिलकर यांनी पोलीस स्टेशनला एक तक्रार अर्ज दिलेला होता। त्याच्यामध्ये त्या तक्रार अर्जाप्रमाणे आरोपींचे मेसर्स सुदर्शन पेपर कन्वर्टिंग नागपूर, मेसर्स मनोहर साकोडे ब्रदर्स नागपूर, मेसर्स स्वस्तिक ट्रेड लिंक नागपूर आणि मेसर्स गुरु कृपा स्टेशनर्स प्रिंटर्स, मेसर्स SK एंटरप्राइजेस नागपूर असे फर्म आहेत। आणि या फर्मला NMC नागपूरकडून स्टेशनरी सप्लायचे टेंडर देण्यात आलेले होते आणि त्या आधारे आरोपींनी बोगस कागदपत्रे तयार केली, बोगस बिले तयार केली, बोगस निवेदने तयार केली आणि त्यांनी बिले NMC डिपार्टमेंटला मंजुरीकरता पाठवले आणि ते मंजुरी NMC कडून ते मंजूर करण्यात आले आणि आरोपींनी 67,08,630 रुपये रकमेचा तिथून उचल केलेला आहे। नंतर NMC च्या लक्षात ही बाब आल्याने त्यांनी पोलिसांना तक्रार अर्ज दिलेला आहे। आम्ही त्याच्यामध्ये चौकशी केलेली आहे आणि चौकशी करून आम्ही 420, 462, 471, 434 भाजीप्रमाणे आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे। सर, सध्या स्थितीमध्ये आतापर्यंत एकूण किती लोकांचे नाव निष्पन्न झाले आहे? आतापर्यंत काही अटक झाले आहे का? सध्या आम्हाला जे फर्म आहेत, फर्मचे जे मालक आहेत, त्यांचे 4 लोकांचे नाव RP मध्ये आहेत। त्यामध्ये पैकी आम्ही अतुल साकोडे आणि कोलबा साकोडे यांना आम्ही याच्यामध्ये अटक केलेलं आहे। सर, यामध्ये आरोपींची वाढ होण्याची शक्यता आहे का? याच्यामध्ये आता आम्ही तपास करत आहोत। दोन्ही आरोपींची आम्ही अटक करून PCR घेत आहोत। त्याच्यामध्ये आम्ही तपास करू आणि तपासामध्ये जे निष्पन्न झालं त्याप्रमाणे आम्ही पुढील तपास करणार आहोत। सूत्रों के अनुसार मनपा में स्टेशनरी सप्लाई के लिए 5 एजेंसियों के साथ रेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। विशेषतः 5 एजेंसियां एक ही परिवार के सदस्य की है, जिनमें मुख्य रूप से पद्माकर उर्फ कोलबा साकोरी ही मनपा के साथ लेन देन किया करता था। अलग अलग विभागों में आवश्यकता अनुसार पूरे वर्ष भर स्टेशनरी सप्लाई होती थी। कोरोना काल में 7 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच स्टेशनरी सप्लाई नहीं किए जाने के बावजूद बोगस हस्ताक्षर कर 67 लाख का बिल प्राप्त किया गया। यहां तक कि इसके लिए 41 फाइल्स तैयार की गई। मनपा के स्वास्थ्य विभाग में स्टेशनरी सप्लाई को लेकर इन फाइलों को तैयार किया गया था। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्रशांत भातुलकर को वित्त विभाग के प्रिवेंशन लेजर अकाउंट में धांधली दिखाई देने पर उसने स्वास्थ्य अधिकारी संजय चिलकर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पूरा घोटाला उजागर हुआ। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में भले ही एजेंसी के मालिकों की धरपकड़ जारी हो, किंतु PCR में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अनुसार बड़ी मछलियों के फंसने की भी संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।